तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल को लेके काफी सारे आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिरकार पैसा कब तक मिलेगा, दूसरा सवाल पैसा किस किस को मिलेगा, तीसरा सवाल पैसा कैसे मिलेगा, क्या हमें मैच्योरिटी के साथ पैसा मिलेगा या फिर जितना हमारा जमा पूंजी है उतना मिलेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक के बारे में आपका जितना भी कंफ्यूजन है वो सभी कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। छुट्टी से उनको वापस दी जाएगी और ये मैंने कहा ये शुरुआत है, अगर ये सफलता से होता है और सफलता से होगा उसका मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूं, इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ गई है और कहीं पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर है इसको अन्याय होने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ गई। जिन्होंने निवेश नहीं किया है इसको किसी भी तरह से यहां से रिफंड नहीं मिल सकता और निवेश जिन्होंने किया है इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रॉपर जानकारी देंगे, सही जानकारी देंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के सीक्रेट तरीके या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी लेना चाहते हो, टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैसा किन किन लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों इसका जवाब है, अमित शाह जी ने कहा है कि सबसे पहले चरण में, सबसे पहली बात तो चरण वाइज करके पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले स्लॉट में या फिर यूं कहें चरण में 1,07,00,000 लोगों को पैसा मिलेगा। और किसको मिलेगा इस 1,07,00,000 लोगों में, तो जिसका पैसा 10,000 रुपए तक है। जी हाँ, जिस भी लोगों का पैसा 10,000 रुपए तक है उन सभी को इस 1,07,00,000 के पहले चरण में पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है कि आखिरकार पैसा कैसे मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पैसा अगर आप लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले के ऊपर एक वेबसाइट दिख रहा होगा, गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट है, आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आवेदन करना है। आपके पास जो भी डिटेल है वो डिटेल वगैरह यहाँ पर पूछा जाएगा, तो वो डिटेल फिल करके आपको आवेदन करना है। और मैं यहाँ पर बता दूं कि मैक्सिमम लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है वो या तो गरीब तबके के लोग हैं या फिर मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं जिनको उतना ऑनलाइन डिजिटल का नॉलेज नहीं है। तो मैं उनके लिए बता दूं कि अगर आपको पैसा रिफंड लेना है तो आपको सबसे पहले किसी CSC सेंटर में चले जाना है या फिर साइबर कैफे चले जाना है, वहां पर जाके आपको आवेदन करवा लेना है। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो आपका पैसा रिफंड नहीं मिलता है। इसीलिए सही तरीके से आवेदन करने के लिए आपको CSC सेंटर पे चले जाना है, वहां पर आपको आवेदन करवा लेना है। अब दोस्तों यहां पर काफी सारे सवाल हैं, एक सवाल और ये भी है कि जिन भी लोगों का पैसा 10,000 से ज्यादा है, जैसे 40,000, 50,000, 1,00,000 रुपए, तो उन लोगों को पैसा क्या नहीं मिलेगा। तो जी नहीं दोस्तों, उन लोगों का भी पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके स्लॉट वाइज में सभी को पैसा दिए जाएंगे। तो हो सकता है थोड़ा वक्त और लग सकता है, आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। 2023 ना तो 24-25 तक सभी को पैसा मिल जाएगा। दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहाँ पर जो पैसा देने का ऐलान किया है तो उनके पास जो बजट है अभी फिलहाल 5,000 करोड़ रुपए में ही उनको सभी लोगों को पैसा देना है। तो इसीलिए जिनका पैसा सबसे छोटा रकम है 10,000 रुपए का उनको पहले दिया जाएगा और जिन भी लोगों का 1,00,000, 2,50,000 है उनको धीरे धीरे करके यहाँ पर बताया जाएगा कि अब जो है दूसरे स्लॉट में किन किन लोगों को पैसा मिलेगा। तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो फिलहाल अभी पहले स्लॉट में 10,000 जिनका पैसा है उनको मिलने जा रहा है। वो लोग ऑनलाइन इस पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से पैसा अपना रिफंड ले सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सवाल है कि क्या मैच्योरिटी के साथ पैसा मिलेगा। जैसे अगर आपको बताया गया था कि आप 10,000 रुपए जमा करो और 5 साल बाद आपको 10,000 का 20,000 रुपए मिल जाएगा, तो क्या ये मैच्योरिटी के साथ रिफंड मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको मैच्योरिटी के साथ पैसा मिलेगा। अगर आपका जो टाइम पीरियड है, जो आपका मैच्योरिटी है वो कम्प्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर आपको मैच्योरिटी के साथ पैसा रिफंड दिया जाएगा। और जिन लोगों का दोस्तों यहाँ पर टाइम पीरियड मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ है तो उन लोगों को कैसे पैसा मिलेगा, ये भी एक सवाल है। तो दोस्तों यहाँ
यहाँ पर उन लोगों का पैसा मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि उनका जो मैच्योरिटी टाइम है वो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो अभी उनको पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जब उनका मैच्योरिटी टाइम कंप्लीट होगा तब जाके उनको पैसा दिया जाएगा। उसके लिए अलग से ऐलान किया जाएगा कि अब वो लोग पैसा ले सकते हैं जिनका अब जाके मैच्योरिटी कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या कागज होने चाहिए, तो सबसे पहले तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो जल्दी से लिंक करवा लीजिए। और दूसरी बात कि आपके पास जो आपने जमा किया था पैसा सहारा में, उसका एक बाउंड जो है, जो बाउंड होता है वो भी आपके पास सुरक्षित होना चाहिए, तभी जाके आपको जो पैसा है वो मिलेगा। दोस्तों गवर्नमेंट ने काफी दिन से यहाँ पर सहारा के जो पूंजी था, जो यहाँ पर उनका संपत्ति था, उन्हें जब्त करने का काम कर रही थी, तो अभी फिलहाल काफी सारे संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है, जिन्हें बेचकर यहाँ पर जो लोगों का पैसा है वो सरकार दे रही है। तो यहाँ पर और भी काफी सारे संपत्तियां हैं जिन्हें जब्त करके यहाँ पर पैसा देने का काम आगे किया जाएगा। तो फिलहाल अभी इन सभी लोगों को पैसा मिलना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप भी 10,000 रुपए के अंदर में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और आपको पैसा मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप कमेंट करोगे कि अप्लाई कैसे करें, हम अपने मोबाइल फोन से या फिर अपने लैपटॉप से इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप से, तो कमेंट आप करना। अब दोस्तों यहाँ पर ये सभी चीजें तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, जैसे कि सबसे पहले चरण में 10,000 जिनका पूंजी है उसको पैसा मिलेगा, साथ ही साथ कुछ और शर्तों को भी आपको पालन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको ये चेक करना है अपने बाउंड पेपर पे कि आपका पैसा किस क्षेत्र में लगा था, किस लिमिटेड में लगा था। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि इन 4 ऑपरेटिव लिमिटेड में जिनका पैसा लगा था उन्हीं को यहाँ पर पैसा मिलने जा रहा है। तो सबसे पहला जो आपको चेक करना है वो चेक करना है कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में अगर आपका पैसा लगा है तभी आपको रिफंड मिलेगा। दूसरा है दोस्तों सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड में अगर आपका पैसा लगा है तो आपको मिल जाएगा। तीसरा है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसके बाद चौथा है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में अगर आपका पैसा लगा है। तो यहाँ पर आपने जान लिया कि कहाँ पर आपका पैसा लगा है, तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। दोस्तों पैसा वापस लेने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। डिस्प्ले के ऊपर आपको ये जो साइट दिख रहा है यहाँ पर आपको जाना है, अपना नाम और अपना जो एड्रेस, उसके बाद दस्तावेज है वो आपको यहाँ सबमिट करना है, और इसके बाद आपको अप्लाई करना है। जैसे आप क्लेम के लिए अप्लाई करोगे 30 दिन तक यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए चेक किया जाएगा कि आपके जो दस्तावेज हैं वो सही हैं या फिर नहीं है, और उसके 15 दिन बाद यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो 45 दिन के बाद आपका पैसा, निवेशकों का पैसा वापस उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं जो आपके पास होना चाहिए तभी आपको पैसा मिलेगा। दोस्तों जो पहला दस्तावेज है वो है सदस्यता संख्या आपके पास होना चाहिए, दूसरा है जमा खाता संख्या, तीसरा आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, चौथा जमा प्रमाण पत्र यानी पासबुक आपके पास होना चाहिए, और पांचवा है पैन कार्ड। जिन भी निवेशकों का पैसा 50,000 से ऊपर है उनके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है, जरूरी है, तभी उनका पैसा यहां पर वापस मिलेगा। तो ये सारे जानकारी थी दोस्तों, ये सारी डिटेल थी जहां पर मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ ऐसी सवाले हैं जो छूट गई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई विद इन 24 आवर के अंदर करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।